आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो सवाल यहाँ पे कह रहा है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैमापिथेकस, ड्रायोपिथेकस एंड नियंडरथल मैन। यानी कि हमें यहाँ पे जो तीन नाम दे रखे हैं, इनके कैरेक्टर बताने हैं। अब ये तीन नाम क्या क्या है, रैमापिथेकस, ड्रायोपिथेकस और नियंडरथल मैन, क्या है ये? तो यहाँ पे बता देता हूँ, जो हमारा इवोल्यूशन हुआ था, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, या फिर मैं बोलूँ अगर मैंस का, तो आपको पता ही है कि हमारा जो इवोल्यूशन है वो कहाँ से हुआ था। आपको पता ही है, सबसे पहले हमारे एप लाइक वो होते थे मैंस, फिर वो किसके अंदर इवॉल्व हुए, फिर वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए हमारे अंदर, जहाँ पे हम क्या हुए, एकदम इरेक्ट पोजीशन में आ चुके थे और हम वॉक करते थे अपनी दो लेग्स के ऊपर। तो कुछ इस हिसाब से हमारा क्या है, इवोल्यूशन हुआ था एप लाइक स्ट्रक्चर से हम कम्प्लीटली ह्यूमंस के अंदर, जो हम फिलहाल अभी हैं। तो मुझे इसी के बारे में बात करनी है, जो रैमापिथेकस, ड्रायोपिथेकस और नियंडरथल थे, ये हमारे बीच की ही स्टेजेस थी जो हमें इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस के बीच में स्टेजेस देखने को मिली थी। तो अगर मैं इन तीनों स्टेजेस को अरेंज कर लेता हूँ कि आखिरकार कौन सबसे पहले आया, कौन सबसे बाद में आया, तो इसके इन तीनों के अंदर मैं देखूँ तो जो सबसे पहले इसके अंदर से आया था वो थे हमारे ड्रायोपिथेकस। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अरेंज कर लेता हूँ। उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए हमारे रैमापिथेकस, और फिर सबसे लास्ट में इनके अंदर थे हमारे नियंडरथल मैन। हाँ जी, ये हमारे सबसे लास्ट में थे। तो अब मुझे इस सीक्वेंस में ही मैं बात करना पसंद करूंगा, सबसे पहले किसके बारे में, सबसे पहले बात होगी यहाँ पे ड्रायोपिथेकस के बारे में। तो जो हमारे ड्रायोपिथेकस थे वो हमारे कुछ 20 से 25 मिलियन ईयर अगो पहले देखने को मिलेंगे थे। हाँ जी, 20 से 25 मिलियन ईयर अगो पहले हमें देखने को मिले थे ड्रायोपिथेकस। और ये जो हमारे मैन थे, ये हमारे एप लाइक थे, यानी कि ये हमारे एप से ज्यादातर मेल जोल खाते थे, इसलिए इनको बोला जाता था एप लाइक। साथ ही साथ बता दूं, इनके जो हमारे हैंड्स और जो इनकी लेग्स थी वो दोनों ही सेम लेंथ के थे। साथ ही साथ ये क्या खाते थे, ये खाते थे हमारे फ्रूट्स को और ये खाते थे हमारी लीव्स को। हाँ जी, तो ये इनके कुछ करैक्टर थे, किसके, हमारे ड्रायोपिथेकस के। बात करना पसंद करूँगा रैमापिथेकस के बारे में। बात करूँ अगर रैमापिथेकस के बारे में, तो ये हमें कुछ देखने को मिले थे 14 से 15 मिलियन ईयर अगो। हाँ जी, 14 से 15 मिलियन ईयर अगो पहले हमें ये देखने को मिले थे। बता दूँ, जो रैमापिथेकस थे ये हमारे मोर मैन लाइक थे, यानी कि आज के जो मैंस हैं उनके जैसे ये हमें देखने को मिलते थे। ड्रायोपिथेकस कैसे थे, वो एप लाइक थे, लेकिन ये हमारे थोड़े मोर मैन लाइक थे। ये कैसे वॉक करते थे, ये इरेक्ट पोस्चर में वॉक करते थे। आपको पता है जो एप है वो थोड़ा सा झुक के चलता है अपने चारों हाथों पे, है ना, उसके दोनों पीछे के पैर और हाथ दोनों ही यूज किए जाते हैं चलने में, लेकिन यहाँ पे क्या था, ये इरेक्ट वॉक करने के लिए हो गए थे थोड़े से सक्षम। साथ ही साथ जो हमारे रैमापिथेकस थे उनके अंदर क्या था, इनके जो टीथ थे वो भी हमारे मॉडर्न मैन जैसे ही कॉमनली देखने को मिलते थे। तो ये तो मेरे कुछ करैक्टर हो गए रैमापिथेकस के। बात करना पसंद करूंगा अब अपने लास्ट वाले के बारे में, जो है नियंडरथल मैन। तो जो नियंडरथल मैन था वो हमारा कुछ 40,000 साल से 1,00,000 साल पहले हमें देखने को मिलता था। हाँ जी, 40,000 से 1,00,000 साल पहले हमें देखने को मिलता था, क्या, हमारे नियंडरथल मैन। बात करूँ नियंडरथल मैन के बारे में, तो ये जो थे हमारे बिल्कुल ही मैन लाइक थे। हाँ जी, मॉडर्न मैन के जैसे ही थे, क्योंकि रैमापिथेकस के बाद में आए थे। साथ ही साथ इस और करैक्टर के बारे में बात करूँ, तो जो नियंडरथल मैन थे, इनका जो ब्रेन कैविटी था, यानी कि जो इनकी क्रैनियल कैविटी थी, वो सबसे ज्यादा थी, यानी कि 140 सीसी की इनकी थी ब्रेन कैपेसिटी, सबसे ज्यादा ब्रेन कैपेसिटी इनकी देखने को मिली थी। साथ ही साथ ये जो अपने शरीर को है वो किससे, हमारे जो हाइड्स होती थी उनसे ही अपनी बॉडी को करते थे प्रोटेक्ट। हाइड्स क्या होती है, हमारी चमड़ी होती है किसी भी जानवर की, तो हाइट से प्रोटेक्ट करके रखते थे अपनी बॉडी को। साथ ही साथ बता दूं, जो हमारे नियंडरथल मैन, इनके तो फॉसिल्स हमें देखने को मिले थे वो हमें सेंट्रल और ईस्ट एशिया के अंदर देखने को मिले थे। तो ये तो मेरी बात होगी तीनों के कैरेक्टर्स के बारे में। मैंने बता दिया आपको कि आखिरकार ये कैसे कैसे हमारे एक ह्यूमंस के इवोल्यूशन के अंदर आए और कौन से सन, यानी कितने ईयर पहले हमें देखने को मिले थे। तो यहाँ हो जाता है क्वेश्चन कम्प्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।